तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे एनसीईआरटी कक्षा 8वीं की हमारा अतीत थर्ड, हमारा अतीत तीन के बारे में। तो याद रखा, इसमें ये भाग एक है इसका, इसके बाद दूसरा भाग भी हम लोग देखेंगे। भाग एक का पहला अध्याय है आपका कैसे, कब और कहाँ। तारीख कितनी महत्वपूर्ण होती है। एक वक्त था जब इतिहासकार तारीखों के जादू जादू में ही खोए रहते थे। कब किस राजा की ताजपोशी हुई, कब कौन सा युद्ध हुआ, नहीं तारीखों पर गर्मा गर्म बहस चलती थी। आम समझ के हिसाब से इतिहास को तारीखों का पर्याय माना जाता था। आपने भी लोगों को यह कहते हुए सुना होगा कि इतिहास तो बहुत उबाऊ है भाई, बस तारीखें रटते चलो चले जाओ। क्या इतिहास के बारे में यह धारणा सही है? इसमें कोई शक नहीं है कि इतिहास अलग अलग समय पर आने वाले बदलाव के बारे में ही होता है। इसका संबंध इस बात से है कि अतीत में चीजें किस तरह की थीं और उसमें क्या बदलाव आए। जैसे ही हम अतीत और वर्तमान की तुलना करते हैं, हम समय का जिक्र करने लगते हैं, हम पहले और बाद में की बात करने लगते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में हम अपने आसपास की चीजों पर हमेशा ऐतिहासिक सवाल नहीं उठाते हैं। हम चीजों को स्वाभाविक मानकर चलते हैं, मानो जो कुछ हमें दिख रहा है वह हमेशा से ऐसा ही रहा होगा। लेकिन हम सबके सामने कभी-कभी अचंभे के क्षण आते हैं। कई बार हम उत्सुक हो जाते हैं और ऐसे सवाल पूछते हैं जो वाकई ऐतिहासिक होते हैं। किसी व्यक्ति को सड़क किनारे चाय की घूंट भरते देखकर आप इस बात पर हैरान हो सकते हैं कि चाय या कॉफी पीने का चलन शुरू कब से हुआ होगा। रेलगाड़ी की खिड़की से बाहर झांकते हुए आपके जहन में यह सवाल उठ सकता है कि रेलवे का निर्माण कब हुआ। रेलगाड़ी के आने से पहले लोग दूर दूर की यात्रा किस तरह कर पाते थे। सुबह सुबह अखबार पढ़ते हुए आप यह जानने के लिए उत्सुक हो सकते हैं कि जिस जमाने में अखबार नहीं छपते थे, उस समय लोगों को चीजों की जानकारी कैसे मिलती थी। इस चित्र एक को देख लीजिए। ब्राह्मण ब्रिटेनिया को शास्त्र भेंट कर रहे हैं। जेम्स रेनेल द्वारा तैयार किए गए पहले नक्शे का आवरण चित्र है। 1782 रॉबर्ट क्लाइव ने रेनेल को हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का काम सौंपा था। भारत पर अंग्रेजों की विजय के समर्थक रेनेल को वर्चस्व स्थापित करने की प्रक्रिया में नक्शे तैयार करना बहुत महत्वपूर्ण लगता था। इस तस्वीर में दिखाया गया है कि भारत के लोग स्वेच्छापूर्वक अपने प्राचीन पवित्र ग्रंथ ब्रिटिश सत्ता की प्रतीक ब्रिटेनिया को सौंप रहे हैं, मानो वे उसे भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए आने का आग्रह कर रहे हों। चित्र एक को ध्यान से देखें, यह चित्र किस प्रकार उपनिवेश बात को वो दिलाता है, देख लीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। ये सारे ऐतिहासिक सवाल हमें समय के बारे में सोचने के लिए प्रेरित कर देते हैं। समय को हमेशा साल या महीनों के पैमाने पर ही नहीं देखा जा सकता। कई बार ऐसी प्रक्रियाओं के लिए कोई तारीख तय करना वाकई गलत होता है, जो एक लंबे समय तक चलती रहती है। भारत में लोगों ने अचानक एक दिन सुबह सवेरे चाय पीना शुरू नहीं कर दिया था। उसका स्वाद धीरे धीरे ही उनकी जबान पर चढ़ा था। इस तरह की प्रक्रियाओं के लिए कोई स्पष्ट तिथि नहीं हो सकती। इसी तरह हम ब्रिटिश शासन की स्थापना के लिए भी कोई एक तिथि नहीं बता सकते। राष्ट्रीय आंदोलन किस दिन शुरू हुआ था, या अर्थव्यवस्था या समाज में किस दिन बदलाव आए, यह बताना भी संभव नहीं है। ये सारी चीजें एक लंबे समय में घटती हैं। ऐसे में हम सिर्फ एक अवधि की ही बात कर सकते हैं, एक लगभग सही अवधि के बारे में बता सकते हैं, जब एक खास बदलाव दिखाई देने शुरू हुए होंगे, तो फिर लोग इतिहास को तारीख से जोड़कर क्यों देखते हैं। इस सुझाव की एक वजह है, एक समय था जब युद्ध और बड़ी बड़ी घटनाओं के ब्यौरे को ही इतिहास माना जाता था, या इतिहास राजा महाराजाओं और उनकी नीतियों के बारे में होता था। इतिहासकार यह लिखते हैं कि कौन से साल राजा
ताज पहनाया गया, किस साल उसका विवाह हुआ, किस साल उसके घर में बच्चा पैदा हुआ, कौन से साल उसने कौन सी लड़ाई लड़ी और वह कब मारा गया, और उसके बाद कब कौन सा शासक उसके बाद गद्दी पर बैठा। इस तरह की घटनाओं के लिए निश्चित तिथि बताई जा सकती है। इस तरह की इतिहासों में तिथियों का महत्व बना रहा रहता है। जैसा कि पिछले 2 साल की इतिहास की किताबों में वो मैं आपने देखा है, अब इतिहासकार बहुत सारे दूसरे मुद्दों, दूसरे सवालों के बारे में भी लिखने लगे हैं। वे इस बात पर ध्यान देते हैं कि लोग किस तरह अपनी रोजी रोटी चलाते थे, वे क्या पहना करते थे, क्या खाते थे, शहर कैसे बने और बाजार किस तरह फैले, किस तरह रियासतें बनी, नए विचार पनपे और संस्कृति व समाज किस तरह बदले। इस चित्र को देख लीजिए, चित्र 2। विज्ञापनों से भी पसंद नापसंद तय होती है। पुराने विज्ञापनों से हमें यह समझ में मदद मिलती है कि नए उत्पादों के लिए बाजार किस तरह तैयार हुए हैं, किस तरह नई रुचियां चलन में आती हैं। 1922 में लिप्टन चाय के लिए तैयार किया गया यह विज्ञापन इस बात की ओर संकेत करता है कि दुनिया भर के शाही लोग यही चाय पीते हैं। इस तस्वीर के पीछे की तरफ एक भारतीय महल दिखाई दे रहा है, जबकि अगले हिस्से में ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया का तीसरा बेटा राजकुमार आर्थर घोड़े पर बैठा हुआ है। राजकुमार आर्थर को ड्यूक ऑफ कॉर्नवॉल की पदवी दी गई थी। ठीक है, आगे बात करते हैं कौन सी तारीख है। कुछ तारीखों को महत्वपूर्ण मानने का पैमाना क्या होता है। हम जो तारीखें चुनते हैं, जिन तारीखों के इर्द गिर्द हम अतीत की कहानी बुनते हैं, वे अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं होती हैं। वे इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं क्योंकि हम कुछ खास घटनाओं को महत्वपूर्ण मानकर चलने लगते हैं। अगर अध्ययन का विषय बदल जाता है, अगर हम नए मुद्दों पर ध्यान देने लगते हैं, तो महत्वपूर्ण तारीखें भी बदल जाती हैं। एक उदाहरण पर विचार कीजिए, भारत में ब्रिटिश इतिहासकारों ने जो इतिहास लिखे, उनमें हर एक गवर्नर जनरल का शासनकाल महत्वपूर्ण है। इतिहास प्रथम गवर्नर जनरल बॉरेन हेस्टिंग्स के शासन से शुरू होते हैं और आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के साथ खत्म होते हैं। अलग अलग अध्यायों में हम दूसरे गवर्नर जनरलों हेस्टिंग्स, बेलिजली, बेंटिक डलहौजी, कैनिंग लॉरेंस, लिट्टन रिपन, कर्जन हार्डिंग, इरविन के बारे में पढ़ते हैं। इस इतिहास में गवर्नर जनरल जनरलों और वायसराय की कभी ना खत्म होने वाली सिलसिला ही छाया रहता है। इतिहास की इन किताबों में सारी तारीखों का महत्व इन अधिकारियों, उनकी गतिविधियों, नीतियों, उपलब्धियों के आधार पर ही तय होता था। यह ऐसा ऐसे था मानो इन लोगों के जीवन के बाहर कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे जानना महत्वपूर्ण हो। इन लोगों के जीवन का क्रम ब्रिटिश भारत के इतिहास में अलग अलग अध्यायों का विषय बन गया था। क्या हम इसी दौर के इतिहास को अलग अलग ढंग से नहीं लिख सकते। गवर्नर जनरलों के इतिहास के चौकटे में हम भारतीय समाज के विभिन्न समूहों और वर्गों की गतिविधियों पर किस तरह ध्यान दे सकते हैं। जब हम इतिहास या कोई कहानी लिखते हैं तो उसे टुकड़ों या फिर अध्यायों में बांट देते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हम अध्याय में कुछ सामंजस्य रहे। इसका मकसद कहानी को इस तरह सामने लाना होता है कि उसे कहाँ आसानी से समझा जा सके और याद रखा जा सके। इस प्रक्रिया में हम सिर्फ उन घटनाओं पर जोर देते हैं जो उस कहानी को पेश करने में मददगार होती है, जो इतिहास गवर्नर जनरलों के जीवन के इर्द गिर्द चलता है। उसमें भारतीयों की गतिविधियां कोई मायना नहीं रखती, उनके लिए वहां कोई जगह नहीं होती। तो फिर क्या किया जाए। जाहिर है कि हमें अपने इतिहास का एक अलग खाका बनाना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि अब तक जिन तिथियों को महत्व दिया जा रहा था, वे महत्वपूर्ण नहीं रहेंगे। हमारे लिए नई तिथियां महत्वपूर्ण हो जाएंगी। देखिए चित्र 3 में वॉरेन हेस्टिंग्स
1773 में भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। इतिहास की किताबों में गवर्नर जनरलों के कारनामों, जीवनियों में उनकी गौरव गाथाओं और तस्वीरों में उनके भव्य व्यक्तित्व को उभारा जाता था। अब बात करते हैं हम अवधियां कैसे तय करते हैं। 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक एक किताब लिखी। इस किताब में उन्होंने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश इन 3 कालखंडों में बांटा था। कालखंडों के इस इतिहास निर्धारण को ज्यादातर लोगों ने मान भी लिया। क्या आपको बाकी इतिहास को समझने की इस तरीके में कोई समस्या दिखाई देती है? इतिहास को हम अलग अलग कालखंडों में बांटने की कोशिश क्यों करते हैं? इसकी भी एक वजह है, हम एक दौर की खासियत, उसके केंद्रीय तत्व को पकड़ने की कोशिश करते हैं। इसलिए ऐसे शब्द महत्वपूर्ण हो जाते हैं जिनके सहारे हम समय को बांटते हैं। ये शब्द अतीत के बारे में हमारे विचारों को दर्शाते हैं। वे हमें बताते हैं कि एक अवधि से दूसरी अवधि के बीच आए बदलाव का क्या महत्व होता है। मेरे को लगता था कि सारे एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे हैं। इतिहास की उनकी समझदारी ये थी कि भारत में अंग्रेजों के आने से पहले यह हिंदू और मुसलमान तानाशाहों का ही राज चलता था। यहाँ चारों ओर केवल धार्मिक वैर, जातिगत बंधनों और अंधविश्वासों का ही बोलबाला था। मिल की राय में ब्रिटिश शासन भारत को सभ्यता की राय पर ले जा सकता था। इस काम के लिए जरूरी था कि भारत में यूरोपीय शिष्टाचार, कला संस्थानों और कानूनों को लागू किया जाए। मिल ने तो यहाँ तक सुझाव दिया था कि अंग्रेजों को भारत के सारी भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके। उसका मानना था कि अंग्रेजों की मदद के लिए के बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता है। इतिहास की एक धारणा में अंग्रेजी शासन प्रगति और सभ्यता का प्रतीक था। अंग्रेजी शासन से पहले सारा अंधकार का दौर था। क्या इस तरह की धारणा को स्वीकार किया जा सकता है? क्या इतिहास के किसी दौर को हिंदू या फिर मुसलमान दौर कहा जा सकता है? क्या इन सारे दौरों में कई तरह के धर्म एक साथ नहीं चलते थे? किस युग को केवल उस समय के शासकों के धर्म के हिसाब से तय करने की जरूरत क्या है? अगर हम ऐसा करते हैं तो इसका मतलब यह कहना चाहते हैं कि औरों के जीवन और तौर तरीकों का कोई महत्व नहीं होता था। हमें याद रखना चाहिए कि प्राचीन भारत में सारे शासकों का भी एक धर्म नहीं होता था। अंग्रेजों द्वारा सुझाए गए वर्गीकरण से अलग हटकर इतिहासकार भारतीय इतिहास को आमतौर पर प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक काल में बांटकर देखते हैं। इस विभाजन की भी अपनी समस्याएं हैं। इतिहास को इन खंडों में बांटने की यह समझ भी पश्चिम से आई है। पश्चिम में आधुनिक काल को विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र और मुक्ति और समानता जैसी आधुनिकता की ताकतों के विकास का योग माना जाता है। उनके लिए मध्यकालीन समाज वे समाज थे जहां आधुनिक समाज की ये विशेषताएं नहीं थी। क्या हम अपने अध्ययन के लिए आधुनिक काल की इस अवधारणा को बिना सोचे विचारे ऐसे ही अपना सकते हैं? जैसा कि आप इस किताब में देखेंगे कि अंग्रेजों के शासन में लोगों के पास समानता, स्वतंत्रता या मुक्ति नहीं थी, ना ही यह आर्थिक विकास और प्रगति का दौर था। बहुत सारे इतिहासकार इसे को औपनिवेशिक युग कहते हैं। अब बात करते हैं औपनिवेशिक क्या होता है। आखिर ये शब्द उपयोग में आ रहा है तो आखिर होता क्या है, इसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए ना। इस किताब में आप पढ़ेंगे कि किस तरह अंग्रेजों ने हमारे देश को जीता, स्थानीय नवाबों और राजाओं को दबाकर अपना शासन स्थापित किया। आप देखेंगे किस तरह उन्होंने अर्थव्यवस्था व समाज पर नियंत्रण स्थापित किया। अपने सारे खर्चों को निपटाने के लिए
राजस्व वसूल किया, अपनी जरूरतों की चीज़ों को सस्ती कीमत पर खरीदा, निर्यात के लिए महत्वपूर्ण फैसला की, फसलों निर्यात के लिए महत्वपूर्ण फसलों की खेती कराई, और इन सारी कोशिशों के कारण क्या बदलाव आए? आप ये भी जानेंगे कि ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ की मूल मान्यताओं, पसंद नापसंद रीति रिवाज व तौर तरीकों में क्या बदलाव आए जब एक देश व दूसरे देश के दबदबे से इस तरह के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं। तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहा जाता है। लेकिन जल्दी ही आप ये समझ जाएंगे कि सारे वर्ग और समूह इन बदलाव को एक ही ढंग से अनुभव नहीं कर रहे थे। इसलिए इस किताब को हमारे अतीत यानी कई अतीतों पर केंद्रित नाम दिया गया। हमें किस तरह जानते हैं, हम किस तरह जानते हैं भारतीय इतिहास के पिछले 250 साल का इतिहास लिखने के लिए इतिहासकार कौन से स्रोत का इस्तेमाल करते हैं? प्रशासन अभिलेख तैयार करता है, अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार किए गए सरकारी रिकॉर्ड इतिहासकारों का एक महत्वपूर्ण साधन होते हैं। अंग्रेजों की मान्यता थी कि चीज़ों के लिखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। उनके लिए हर निर्देश, हर योजना, नीतिगत फैसले, सहमति, जांच को साफ साफ लिखना जरूरी होता है था। ऐसा करने के बाद चीज़ों को का अच्छी तरह अध्ययन किया जा सकता था और उन पर वाद विवाद किया जा सकता है। इस समझदारी के चलते ज्ञापन, टिप्पणी, प्रतिवेदन पर आधारित शासन की संस्कृति पैदा हुई। अंग्रेजों को यह भी लगता था कि तमाम अहम दस्तावेज और पत्रों को संभाल कर रखना जरूरी है, लिहाजा उन्होंने सभी शासकीय संस्थानों में अभिलेख कक्ष भी बनवा दिए। तहसील के दफ्तर, कलेक्टर कमिश्नर के दफ्तर, प्रांतीय सचिवालय, कचहरी, सबके अपने अपने रिकॉर्ड रूम होते थे। महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचाकर रखने के लिए अभिलेखाकार, आर्काइव और संग्रहालय जैसे संस्थान भी बनाए गए। 19वीं सदी की शुरुआत में प्रशासन की एक शाखा से दूसरी शाखा के पास पास भेजे गए पत्रों और ज्ञापनों को आज भी अभिलेखाकार में देख सकते हैं। वहां आप जिला अधिकारियों द्वारा तैयार किए गए नोट्स और रिपोर्ट पढ़ सकते हैं या ऊपर बैठे अफसरों द्वारा प्रांतीय अधिकारियों को भेजे गए निर्देश और सुझाव देख सकते हैं। 19वीं सदी की शुरुआती सालों में इन दस्तावेजों की सावधानीपूर्वक नकलें बनाई जाती थी। उन्हें खुशनवीसी की मार लिखते थे। खुशनवीसी का या सुलेखनवीस ऐसे लोग होते थे जो बहुत सुंदर ढंग से चीजें लिखते थे। 19वीं सदी के मध्य तक छपाई तकनीक भी फैलने लगी थी। इस तकनीक के सहारे अब प्रत्येक सरकारी विभाग की कार्रवाइयां को दस्तावेजों की कई प्रतियां बनाई जाने लगी। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखाकार 1920 के दशक में बनाया गया। जब नई दिल्ली का निर्माण हुआ तो राष्ट्रीय संग्रहालय और राष्ट्रीय अभिलेखाकार दोनों ही वायसराय के निवास के नजदीक बनाए गए थे। इससे पता चलता है कि अंग्रेजों की जो सोच में इन संस्थानों का कितना भारी महत्व था। गृह विभाग की ओर से भेजी गई रिपोर्ट। सन 1946 में भारत की औपनिवेशिक सरकार शाही भारतीय नौसेना के जहाजों में सिपाहियों की बगावत को कुचलने का प्रयास कर रही थी। उस समय विभिन्न बंदरगाहों से गृह विभाग को जो रिपोर्ट मिली थी उसके कुछ ये नमूने हैं। बम्बई, इस बात का इंतजाम कर लिया गया कि सेना जहाजों और दफ्तरों पर कब्जा कर ले। शाही नौसैनिक जहाज अभी भी बंदरगाह से बाहर ही हैं। कराची, 301 विद्रोहियों को गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ अन्य संदेहास्पद विद्रोही भी गिरफ्तार किए गए। सारे दफ्तर चीनी निगरान, सारे दफ्तर सैनिक निगरानी में हैं। विशाखापट्टनम, स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और कहीं हिंसा नहीं हुई। जहाजों और प्रतिष्ठानों पर सैनिक गार्ड तैनात कर दिए गए। किसी परेशानी की उम्मीद नहीं है, सिवाय इसके कि संभव है कुछ सिपाही काम पर ना आए। आगे बात करते हैं
सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व। औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण का चलन भी महत्वपूर्ण होता गया। अंग्रेजों का विश्वास था कि किसी देश पर अच्छी तरह शासन चलाने के लिए उसको सही ढंग से जानना जरूरी होता है। 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे देश का नक्शा तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण किए जाने लगे। गाँव में राजस्व सर्वेक्षण किए गए। इन सर्वेक्षणों में धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता, वहाँ मिलने वाले पेड़ पौधे और जीव जंतुओं तथा स्थानीय इतिहासों व फसलों का पता लगाया गया था जाता था। अंग्रेजों की राय में किसी इलाके का शासन चलाने के लिए इन सारी बातों को जानना जरूरी था। 19वीं सदी के आखिर से हर 10 साल में जनगणना भी की जाने लगी। जनगणना के जरिए भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी जाति, इलाके, व्यवसाय के बारे में जानकारियां इकट्ठा की जाती थी। इसके अलावा वनस्पतिक सर्वेक्षण, प्राणी वैज्ञानिक सर्वेक्षण, पुरातात्विक सर्वेक्षण, मानव स्वास्थ्य सर्वेक्षण, वन सर्वेक्षण आदि कई दूसरे सर्वेक्षण भी किए जाते थे। जनगणना की बात करें हम लोग तो 1872 में आपकी जनगणना पहली बार हुई, उसके बाद 1881 में आपकी नियमित रूप से जनगणना शुरू हुई। ठीक है, तो याद रखना लॉर्ड मेयो के काल से शुरू हुई थी, लेकिन नियमित रूप से शुरू कब हुई? लॉर्ड रिपन के 1881 में। ठीक है, इस पौधे को देख लीजिए, शरीफे का पौधा। 1770 का दशक अंग्रेजों द्वारा बनाए गए वनस्पतिक उद्यान और प्राकृतिक इतिहास के संग्रहालय में विभिन्न पौधों के नमूने और उनसे संबंधित जानकारियां इकट्ठा की जाती थी। इन नमूनों के चित्र स्थानीय कलाकारों से बनवाए जाते थे। अब इतिहासकार इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि इस तरह की जानकारी किस तरह इकट्ठा की जाती थी और इससे उपनिवेश के बाद में क्या पता चलता है। अब बात करते हैं अधिकृत रिकॉर्ड से क्या पता नहीं चलता है। रिकॉर्ड्स के इस विशाल भंडार से हम बहुत कुछ पता लगा सकते हैं, फिर भी इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि ये सारी सरकारी सरकारी रिकॉर्ड है। इनमें हमें यह पता चलता है कि सरकारी अफसर क्या सोचते थे, उनकी दिलचस्पी किन चीजों में थी और बात के लिए वे किन चीजों को बचाए रखना चाहते थे। इन रिकॉर्ड से हमें ये समझने में हमेशा मदद नहीं मिलती कि देश के दूसरे लोग क्या महसूस करते थे, उनकी कार्रवाइयों की क्या वजह थी। इस बात को जानने के लिए हम कहीं और देखना होगा। जब हम ऐसे दूसरे स्रोतों की तलाश में निकलते हैं तो उनमें भी कोई कमी नहीं रहती, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड्स के मुकाबले उन्हें ढूंढना जरा मुश्किल साबित होता है। इस लिहाज से लोगों की डायरियां, तीर्थ यात्रियों और यात्रियों का संस्मरण, महत्वपूर्ण लोगों की यादकथाएं और स्थानीय बाजारों में बिकने वाली लोकप्रिय पुस्तिकाएं महत्वपूर्ण हो जाती हैं। जैसे जैसे छपाई की तकनीक फैली, अखबार छपने लगे, विभिन्न मुद्दों पर जनता में बहस होने लगी। नेताओं और सुधारकों ने अपने विचारों को फैलाने के लिए लिखा। कवियों और उपन्यासकारों ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए लिखा। लेकिन ये सारे स्रोत उन लोगों ने रचे जो पढ़ना लिखना जानते थे। इनसे हम यह पता नहीं लगा सकते कि आदिवासी और किसान, खदानों में काम करने वाले मजदूर या सड़कों पर जिंदगी गुजारने वाले गरीब किस तरह के अनुभव से गुजर रहे थे। अगर हम थोड़ी और कोशिश करें तो इस बारे में भी जान सकते हैं। जैसे जैसे आप इस किताब में आगे बढ़ेंगे आपको यह बात समझ में आने लगेगी। देखिए, इसे बंगाल में मानचित्रण और सर्वेक्षण का चल रहा है। जेम्स प्रिंसेप द्वारा बनाई गई तस्वीर 1832 में। ध्यान से देखें, सर्वेक्षण में इस्तेमाल होने वाले सारे उपकरणों को चित्र के अगले हिस्से में दिखाया गया। चित्रकार इस परियोजना के वैज्ञानिक स्वरूप पर खास तौर से जोर देना चाहता है। 1857 के विद्रोही, देख लीजिए,
तस्वीरों को भी बहुत ध्यान से देखना चाहिए, उन उनसे हमें चित्रकार की सोच पता चलती है। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों द्वारा तैयार की गई सचित्र पुस्तक में तस्वीर कई जगह दिखाई देती है। इस तस्वीर के नीचे लिखा होता है, बागी सिपाही लूट खसोट में लगे हुए हैं। अंग्रेजों की नजर में विद्रोही जनता लालची, दुष्ट और बेरहम थी। इस विद्रोह के बारे में आप अध्याय 5 में अच्छे से पढ़ेंगे। याद रखिए, उनके लिए ये विद्रोही थे, हमारे लिए देशभक्त थे। ठीक है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि जब कोई पाकिस्तान से हमारे यहाँ हमला करता है या हमारे इंडिया से वहाँ कोई भी जाए तो उसे आतंकवादी बोलते हैं। हम जिस तरह से उसे आतंकवादी बोलते हैं, उसी तरह से हम लोगों को भी वो आतंकवादी समझते हैं। क्या करते हैं, अभी वो जाधव का मामला चला हुआ था, आपने देखा होगा, तो वहां की सरकार ने उसे आतंकवादी घोषित किया। और जब हमारे यहाँ कोई आता है इस तरह के, तो हम लोग उन्हें आतंकवादी बोलते हैं। उनके लिए वो देशभक्त होता है, जिस देश का वो होता है तो उस देश के लिए वो देशभक्त होता है। ठीक है, इंसानों के खाने के लायक नहीं है। अखबारों से देश के विभिन्न विभागों में चल रहे आंदोलन को पता चलता है। यहाँ 1940 में हुई पुलिस की एक हड़ताल की खबर दी गई। दिल्ली में 2000 से ज्यादा पुलिस वालों ने बृहस्पतिवार सभी अपने कम वेतन और पुलिस लाइसेंस बावर्ची खाने से आने वाले घटिया भोजन के खिलाफ खाना खाने से इनकार कर दिया। जैसे जैसे यह खबर दूसरे पुलिस थानों तक पहुंची, वहां भी पुलिस वालों ने खाने से इनकार कर दिया। एक हड़ताली का कहना है कि पुलिस लाइन्स की रसोई से हमारे लिए जो खाना आता है वह कोई इंसान नहीं खा सकता है। हमें जो चपाती और दाल खानी पड़ती है उसे जानवर तक नहीं खा सकते हैं। हिंदुस्तान टाइम्स 22 मार्च 1946 की एक खबर है। ठीक है, ये आपके लिए कुछ अभ्यास के लिए क्वेश्चंस दिए गए हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आपको पीडीएफ डाल देंगे। ठीक है, टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिए। याद रखिए, बहुत एक कहानी का रूप दिया गया है हर किताबों को इनमें से, तो आपको एक कहानी की तरह समझना है। अगर आप लोग कहानी की तरह इसे देखते हैं तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो ये था हमारा पहला अध्याय। आगे हम लोग बात करेंगे व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है, दूसरा अध्याय। ठीक,